हेलो दोस्तों दोस्तों आपने यहाँ पर टिकटॉक में हेल्प सेंटर बहुत दफ़ा देखा होगा। अबाउट फीचर्स के अंदर आपको जो हेल्प सेंटर मिल जाता है, तो दरअसल ये क्यों दिया गया होता है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा है। हेल्प एंड प्रॉब्लम फीडबैक का जो भी प्रोसेस है, यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा दी गई होती है, हेल्प सेंटर। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हेल्प सेंटर दिया गया क्यों होता है और इसे कैसे यूज़ करें, क्या होता है इसका मेन मीनिंग जो कि हमें दिया गया होता है। क्योंकि हेल्प तो आप रिपोर्ट से भी मांग सकते हैं, रिपोर्ट प्रॉब्लम करके भी ले सकते हैं, लेकिन ये फीचर्स जो आपको दिया गया होता है एक्स्ट्रा, तो इसको यूज़ कैसे करें और ये बेहद ही काम में आ सकता है अगर आप इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप टिकटॉक में आते हैं, प्रोफाइल में आते हैं, एंड उसके बाद आप जो है यहाँ पर तीन डॉट डॉट के आइकन पर जाते हैं, तो ये फीचर्स आपके सामने खुल जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको इसको खोल के डिटेल्स में बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है और क्या डिफरेंस है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में और हेल्प सेंटर में। देखिए गाइस, जो मुझे यहाँ तक अब तक लगा है, ये बहुत कम एप्लीकेशंस होती हैं जो इस चीज़ पर फोकस करती हैं। अब रिपोर्ट एक हो गया अपना एक प्रोसेस अलग, एंड हेल्प सेंटर हो गया एक अलग। अब हर चीज़ आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में नहीं मिल सकती, जिस पर ज़्यादा चर्चा होती है वही रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में आती है, जैसे कि लैगिंग करना या वीडियो में ऑडियो आना। लेकिन आपको पर्टिकुलर एक चीज़ में दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पर आपको माय अकाउंट सेटिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि क्रिएट ए टिकटॉक अकाउंट, चेंज पासवर्ड, चेंज यूज़र नेम, एंड सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यूज़र नेम वगैरह हर चीज़। आप चाहे यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, तो सर्च करके भी आपको सारा प्रोसेस मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर खाली लिख देता हूँ। तो इसके फीचर्स में टिकटॉक अकाउंट वेरिफिकेशन, फाइंड विया कॉन्टैक्ट, कम्युनिटी गाइडलाइंस, चेंज पासवर्ड, डिसलाइक ए वीडियो और सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, और पूरे का पूरा डिटेल्स में आपको बताया गया होता है। आप चाहें तो यहाँ पर हर चीज़ को विस्तार से पढ़ सकते हैं और हर चीज़ का मीनिंग जान सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस, बस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ जितनी आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं उससे ज़्यादा इस पर देख सकते हैं, क्योंकि उधर से हेल्प का जो भी कुछ भी आना होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा चार्ट का चार्ट दिया जाता है कि यहाँ यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे कुछ करना है, और फिर भी आपको कॉन्टैक्ट में भी कुछ दिक्कत आती है, तो यहाँ पर आपको कुछ कॉन्टैक्ट भी दिए जाते हैं, ईमेल आईडी वगैरह, वेरिफिकेशन कोड या किसी भी तरीके की चीज़ को सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है हेल्प सेंटर। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।